नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आधार से जुड़ी एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज आधार अपडेट को लेकर। जी हां दोस्तों, अभी तक आप जो है आधार में केवल एड्रेस ऑनलाइन चेंज कर सकते थे, अपडेट कर सकते थे अपने खुद से, लेकिन अब आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इन सभी तरह के अपडेट खुद से कर पाएंगे, क्योंकि आधार के ऑफिशियल वेबसाइट uida.gov.in पर इसका एक नया अपडेट लाया गया है। इस सर्विस को UIDA द्वारा बहुत पहले जो है बंद कर दिया गया था, लेकिन इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। इसका मतलब अब आपको आधार में किसी भी तरह का अपडेट कराने के लिए आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, अब आप खुद से कोई भी अपडेट कर पाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे, आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यू कैन नाउ अपडेट यूअर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस एंड लैंग्वेज ऑनलाइन। तो सिंपली दोस्तों आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर अपने आधार नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहले अपना आधार नंबर एंटर कर लीजिए। यहां पर दिख रहे कैप्चा कोड को एंटर करना है। अगर आपको ये कैप्चा कोड सही ढंग से नहीं दिख रहा है तो आप यहां पर रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर दीजिए तो दूसरा कोई कैप्चा कोड यहां पर लोड हो जाएगा। कैप्चा कोड एंटर कर लेने के बाद सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है। ओटीपी एंटर कर लेने के बाद दोस्तों लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा, इस पर क्लिक कर देना है। यहां पर दोस्तों सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग आधार डाटा फील्ड्स टू अपडेट। आपको जिस किसी भी डिटेल में अपडेट कराना है तो सिंपली आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आप देखिए क्या क्या चीज अपडेट करा सकते हैं, लैंग्वेज, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यानी कि सभी तरह के अपडेट अब आप खुद ही कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको और एक जानकारी देखने को मिल जाएगा कि नेम में अगर आप कोई अपडेट करते हैं तो इसके लिए आप जो है 3 बार अपडेट करा सकते हैं, जेंडर में 1 बार, डेट ऑफ बर्थ में 1 बार और एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लैंग्वेज, इन सब में आप कितने भी बार अपडेट करा सकते हैं। तो दोस्तों जो कोई भी अपडेट कराना है आप सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक पॉपअप मैसेज खुलेगा, इसमें कुछ बताया जाएगा कि आप जो है नाम में केवल इसके बाद 2 बार ही अपडेट करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में 1 बार और जेंडर में 1 बार जो है अपडेट करा सकते हैं। इसके लिए आप जो है स्पेलिंग सही तरीके से एंटर कीजिए। तो यहाँ पर यस आई एम अवेयर ऑफ दिस पर चेकबॉक्स में क्लिक कर देना है, प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपकी एक तरफ यहाँ पर करंट डिटेल बता देगी, यहाँ पर आपको एंटर डिटेल में अपना जो करेक्ट कराना है वो नाम एंटर कर लेना है। तो एक तरफ आपका इंग्लिश में नाम जैसे ही एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में भी आ जाएगा, अगर यहाँ पर कुछ गलत आता है तो आप इसे सही कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपलोड वैलिड डॉक्यूमेंट में से कोई जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। देखिए आपको बहुत सारे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आप इनमें से आपके पास जो कोई भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है सिंपली आपको जो है उसे सिलेक्ट कर लेना है और उसे अपलोड कर देना है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे और उसे अपलोड कर देंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे तो इधर साइड में आपको वो डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा, आप चाहें तो यहां से रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली दोस्तों आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। यहां पर डिटेल्स में आपकी डिटेल दिखा देगी, आप चेक कर लीजिए एक बार। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड फिर से एंटर कर लेना है और यहाँ पर सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहां पर एंटर ओटीपी की जगह एंटर कर देना है, आई हियर बाई चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है, मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए इस अपडेट के लिए आपको ₹50 देने पड़ेंगे, आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के जरिए जो है ₹50 भुगतान कर सकते हैं। भुगतान कर लेने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, जिसके बाद आप चेक अपडेट स्टेटस पर क्लिक करके अपने अपडेट की स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।